अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं सदर इलाके में एक दुकान में, जहां मैं आपको बताना चाहती हूं कि किस तरीके से जो दुकानदार है, जो एक व्यक्ति आप इस वक्त देख रहे होंगे जो दुकानदार है, वो किस तरीके से परेशान है क्योंकि पिछले 4 दिनों से इनकी दुकान पर बिजली नहीं है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस वक्त भी शाम का समय है, ना तो कोई लाइट है, ना एसी चल रहा है, ना कुछ पंखा चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि अगर इनकी दुकान पर, क्योंकि फुटवियर की दुकान है, अगर कोई कस्टमर भी आता है तो उसको भी गर्मी में खड़े होना पड़ेगा। हालांकि मैं कल की बात करूँ तो कल तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी करनाल में, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले की बात करूं और उससे भी एक दिन पहले की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी करनाल की। अगर मैं बात करूं तो यानी कि पिछले 4 दिनों से अगर किसी की लाइट ना हो, और एक ऐसे इलाके में जहां पर चौंकी भी पास में पड़ती है और बार बार कंप्लेंट भी इन्होंने दी है बिजली विभाग वालों को, लेकिन अब तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। क्या कुछ पूरा मामला एक बार जानेंगे और क्यों इनकी लाइट पिछले 4 दिनों से गायब है, क्यों बत्ती गुल है, वो भी आपको बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। क्या हुआ है? 11 तारीख को हमने कंप्लेंट लिखवाई थी मैडम, और वो बंदे 12 तारीख को आए हैं, 11 को तो कोई आया ही नहीं जी। अच्छा। लोकल विभाग वाले बंदे आए थे, उन्होंने मीटर चेक किया, कहते हैं स्पार्किंग हो रही है इसमें, तो ये सील तोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा मुझे तो लाइट चाहिए, जो मर्जी करो, कहें हम सील नहीं तोड़ सकते जी। खंबे पे लगा हुआ मीटर? खंबे पे लगा हुआ है जी, स्मार्ट मीटर है हमारा। तो कह रहे स्मार्ट मीटर की टीम अलग होती है, आप 1912 नंबर पर फ़ोन करो। मैंने 1912 नंबर पर फ़ोन किया तो वहाँ से कंप्लेंट नंबर आया, कहते जी अभी आपको 10-15 मिनट में कॉल आ जाएगी। कोई कॉल नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं। हमारा नंबर पे कॉल किया, फिर किसने रिसीव किया था? ये ऑनलाइन नंबर है। ऑनलाइन नंबर? हाँ जी, मैडम ने रिसीव किया था। तो मैडम कहने लगे इस नंबर पे आपको कॉल आ जाएगी 10-15 मिनट में। मैंने कहा ठीक है जी। कोई कॉल नहीं आई, मैंने 4 घंटे वेट किए। मैंने दोबारा फोन किया, मैंने कहा कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। 4 घंटे क्यों? अब तो काफी दिन ही हो चुके हैं। नहीं, उस दिन 11 तारीख को मैंने 4 घंटे वेट किया, मैंने चलो आ जाएंगे कोई बात नहीं जी, कोई कॉल नहीं आया जी। फिर मैंने फोन किया, वो मैडम कहने लगी आपने पहले आपकी कंप्लेंट आई हुई है तो आप 4 घंटे वेट करो। मैं 4 घंटे ज़्यादा हो गए, अभी आपको 15 मिनट में कॉल आ जाएगी जी। कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने अगले दिन किया, ऐसे डेली हो रहा है जी, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आज ही मैंने 2 बार किया। फिर बीच में मुझे जई साहब का नंबर मिला, मैंने जई जी को किया, वो कहते करवा देते हैं जी, तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली विभाग से कोई आया? बिजली विभाग से तो 11 तारीख को आए थे, लाइनमैन आए थे। वो कहने लगे जी कोई नहीं, हमारा काम नहीं है, जैसे मैंने बताया 1912 पे कंप्लेंट करो आप, ये स्मार्ट मीटर है, इसकी टीम अलग होती है। तो जैसे मैंने बताया आगे कोई भी सुनाई नहीं हुई मेरी। मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूँ और देखो मेरा अंधेरा है बिल्कुल, और हमें 6 बजे दुकान बढ़ा के जाना पड़ता है, 4 दिन लगातार हो गए। कस्टमर वगैरह आते तो ऐसे अंधेरे में बैठते हैं, वो तो बहुत परेशानी होगा। लाइट नहीं है, लाइट जलाओ क्या बात, हम कहते लाइट है नहीं, कहते कमाल है आजकल के टाइम में लाइट नहीं है। वैसे कस्टमर हमारे पास ऐसे ही कहते हैं। वैसे हम स्मार्ट सिटी करनाल में है, सबकी लाइट है सर, और हमारी लाइट है, बस एक आपकी, एक हमारी नहीं है। और मैंने अभी भी फ़ोन किया जय साहब को, कहते हैं कोई नहीं जी करवा देते हैं, ऐसे बोल के टाल देते हैं जी। अब मैं बताओ क्या करूं। तो जेई तक को कॉल कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई यहां पर पहुंचा नहीं है। 11 तारीख को भी इन्होंने कॉल किया, जब इनकी बिजली गुल हो जाती है उसके बाद, क्योंकि आसपास जितने भी दुकानें हैं सबकी लाइट है, सबके दुकानों में रोशनी है। एक बार आप मीटर दिखा दो, जहां पर आपका मीटर लगा हुआ है क्या कुछ दिक्कत है एक बार दिखाना चाहेंगे। अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर ज़रूर करें। अगर बिजली विभाग वाले इनकी सुनवाई कर देते तो हमें यहाँ तक नहीं आना होता, हमें यहाँ पर आना ही नहीं पड़ता, लेकिन हमें यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि इनका कहना यह था कि पिछले 4 दिनों में हमारा कोई जो है कोई भी बात नहीं सुन रहा, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ पर है मीटर आपका? क्या नाम है आपका? गौतम गोकर्ण। मेरी दुकान है, मैं उनका लड़का हूँ। अच्छा, आप उनके बेटे हैं? हाँ जी। कब से नहीं आ रही लाइट? ये तो संडे से नहीं आ रही जी, संडे से सैटरडे से नहीं आ रही, संडे को कंप्लेंट करी थी तब से दिक्कत आ रही है। तो सैटरडे शाम से नहीं आ रही थी? सैटरडे शाम से नहीं आ रही। हाँ जी। तो आपने संडे को कंप्लेंट की? संडे को कंप्लेंट करी, बाकी फिर कर ही रहे हैं लगातार। लेकिन कोई आया यहाँ पर? कोई भी नहीं आया, बस वही लोकल टीम आई थी। मीटर में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मीटर में मीटर चल नहीं रहा, नीचे से यहाँ से ना स्पार्किंग हो रही सारी, पहले स्पार्किंग भी हो रही थी। हाँ जी, हमने उनको इतना भी कहा, देखो हाँ मीटर बंद हो गया, हमने उनको इतना भी कहा देखो स्पार्किंग हो रही है, नीचे मीटर लगा हुआ है, किसी का हाथ लग जाए, कोई खड़ा हो, कहते कोई नहीं जी आ जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं करते। वो स्पार्किंग कहाँ हो रही थी? स्पार्किंग ये है मीटर लगा हुआ ना, जहाँ तार ये मतलब मेन लाइन जा रही है, इसके अंदर से स्पार्किंग होकर सारी नीचे आ रही थी।
पहली बात तो ये कि काफी नीचे ये मीटर लगे हुए हैं और कहना इनका ये कि इस मीटर में स्पार्किंग हो रही थी नीचे की तरफ, और अगर किसी बच्चे का हाथ लग जाए, कोई जानवर यहाँ से छूकर चला जाए तो उसको भी करंट लग सकता था। और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं इनका जो मीटर है वो बिल्कुल बंद पड़ा है। सैटरडे की बात ये बता रहे हैं कि सैटरडे शाम को इनकी बिजली चली जाती है और संडे को ये कंप्लेंट करते हैं, जिसके बाद जेई तक को ये कंप्लेंट दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई मौके पर नहीं आया। कोई रिटर्न में भी कंप्लेंट दिया आपने? हाँ जी। कोई रिटर्न में भी कंप्लेंट दी है? नहीं, रिटर्न में नहीं दी जी, ऑनलाइन ही मोबाइल में किया, जो भी ऑनलाइन दी। और वर्बली आपने फोन वगैरह किया? हाँ जी, हाँ जी, फोन किया, लगातार फोन करता रह गया मैं। उन्होंने हर बार यही कहा अभी करवा देते हैं, अभी करवा देते हैं, 15 मिनट का टाइम देते थे, अभी तक तो देखो हो ही नहीं। स्मार्ट मीटर लगा हुआ है फिर भी स्मार्ट सिटी करनाल में कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं, देख लो मैडम आपके सामने ही है और हम अंधेरे में बैठे हैं। कितनी नुकसान हो रहा है दुकान का? काफी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कस्टमर आते हैं वो देख नहीं पाते, सामान चले जाते हैं जी। 1912 हाँ जी, 1912 में भी की, 1912 में ही ज्यादा किए कम्प्लेंट, तो जेई साहब को भी की। जेई साहब कहते चलो करवा देते हैं जी, उनको सारा बताया कि हमारा स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, वो कहते हैं हम ऐसे कर नहीं सकते, पता कोई नहीं मैं करवा देता हूँ जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं जी, कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्मार्ट मीटर के लिए 1912 नंबर पर जिन जिन के ये मीटर लगे हुए हैं उनको ये मालूम होगा कि 1912 नंबर पर, जो कि एक ऑनलाइन नंबर है, अगर आप उस पर कॉल करते हैं तो रिवर्ट आपको एक कॉल आती है कि हाँ आपकी जो कंप्लेंट है वो हमने सुन ली, और कुछ ही समय में आपको उसके लिए कॉल बैक आएगी। लेकिन अब तक आप देख सकते हैं पिछले 4 दिनों में ना तो कोई कॉल बैक आई है, ना इनके पास कोई मौके पर यहाँ पर पहुँचा है, ना ही इनका मीटर किसी ने आके चेक किया है। जो लाइनमैन यहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने क्या जानकारी दी, उन्होंने क्या बताया मीटर के बारे में? बताया ये स्मार्ट मीटर है, हमारे विभाग में नहीं आता, ये स्मार्ट मीटर की टीम अलग होती है। तो मैंने कहा काम नहीं है अभी, वो कहते मेरा काम नहीं है। और मैंने उन्होंने मैसेज भी डाल दिया, उनका ग्रुप होता होगा कोई, कहते देखो मैंने मैसेज डाल दिया आपकी आज ही हो जाएगा ये वाला, ये 11 तारीख की बात है। तो उनका काम नहीं है, अगर वो 1912 नंबर पे आपको कोई रिवर्ट कॉल नहीं आ रहा तो किनका काम है? वही तो मैंने इनको यही कहा ना, मैंने कहा वो हमारी सुनाई नहीं करते, जई साहब को कहा मैंने ये वाली बात कि आप हमारी सुनाई नहीं करते, 1912 में हमारा सुन नहीं रहा, हम किसको कंप्लेंट करें? फुटवेयर की शॉप है आपकी? हाँ जी, फुटवेयर की शॉप है जी। करना चाहेंगे? मैं तो ये अपील, मुझे लाइट चाहिए, देखो जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो उनको भी यही कहा, मैं कहा मेरी लाइट जैसे मर्जी जाए आप डायरेक्ट लगा दो, कहते हम डायरेक्ट लगा नहीं सकते भाई, आपके चोरी का इल्ज़ाम आएगा ये है। मैं कोई बात नहीं, मुझे ठीक तो करके दो, कुछ तो करो। कहने लगे कोई नहीं, हम जल्दी से जल्दी करवाते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पिछले 4 दिनों से इनकी दुकान आप देख सकते हैं, दुकान के अंदर इस वक्त भी अंधेरा है, और सबसे बड़ा खामियाजा जो है दुकानदार को ये भुगतना पड़ रहा है कि शाम के समय पर जल्दी इनको दुकान बंद करके जानी पड़ती है, जल्दी इनको दुकान क्लोज कर देनी पड़ती है, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद अगर कस्टमर आएगा भी तो वो बोलेगा कि लाइट जगाइए, लेकिन लाइट आखिर कैसे जगेगी जब 4 दिनों से बत्ती गुला। आप सभी लोगों से मेरी अपील, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।